आफ्टरनून क्लास सिक्स के लिए जो चैप्टर नंबर होगा आज के लिए चैप्टर नंबर 18। तो ये बुक का पेज नंबर रहेगा 74। तो आज इस टॉपिक का नाम है हमारे पास श्रवण कुमार। तो ये श्रवण कुमार कौन था इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि ये श्रवण कुमार कौन था क्या था। पुराने समय में एक बालक था, तो ये पुराने समय की बात है आज से बहुत सालों पहले। उसका नाम श्रवण कुमार था। उसके माता पिता बूढ़े और अंधे थे। तो जो उसके माता पिता थे वो अंधे और बूढ़े थे। श्रवण अपने माता पिता की सेवा बहुत लगन से करता था। तो जो इनका बेटा था यह अपने माँ बाप की खिदमत बड़े लगन से बड़े प्यार से करता था। उन्हें कोई कष्ट ना होने देता, वह उनकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न करता। तो उनकी हर एक ख्वाहिश को वो पूरी करने की कोशिश करता था। उसके माता पिता भी अपने बेटे की पुत्र भक्ति से बहुत प्रसन्न रहते थे। तो जो इसके माता पिता थे वो भी अपने बेटे से बहुत खुश थे। एक दिन श्रवण के माता पिता की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। तो इसके माता पिता ने एक दिन उनकी इच्छा क्या हुई तीर्थ यात्रा करने। उन्होंने कहा पुत्र हम बहुत वृद्ध हो गए हैं, हम चाहते हैं कि हम सब तीर्थ के दर्शन हो जाएं। श्रवण उनकी इच्छा जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन्हें तीर्थ यात्रा करने का निश्चय कर लिया। तो जब ये उनके बेटे को पता चला कि मेरे माता पिता की ये इच्छा है तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उसने निश्चय कर लिया, यानी कि उसने डिसीजन ले लिया। उन दिनों आने जाने के साधन आजकल जैसे नहीं थे। तो पहले के ज़माने में आजकल तो की तरह गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ नहीं थी कि कहीं किसी भी जगह पे आसानी से आया जाया नहीं जा सकता था। लोग तीर्थ यात्रा के लिए पद यात्रा किया करते थे। तो जब पुराने समय में पहले के ज़माने में जब यात्राएं होती थी तो वो पैदल ही करनी पड़ती थी, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं थी, इतना साजो सामान नहीं था। श्रवण ने दो टोकरियों को बांस की लाठी में दोनों सिरों पर बांधकर एक बैंगी तैयार की और उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले चला। तो यहाँ पे जैसे आपने पिक्चर में देखा भी होगा, इसने क्या किया एक बांस का डंडा लाया और दो टोकरियाँ लाई खुली, उनको बांध दिया और एक तरफ से माता को रखा और दूसरी तरफ से पिता को। कई तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के बाद अंत में श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या कहाँ है? यूपी में। उस समय वहाँ के राजा दशरथ थे। तो उस समय जो वहाँ के राजा थे वो कौन थे? दशरथ। उनका निशाना बहुत अचूक था। तो दशरथ जो है वो उनका निशाना जो था, क्योंकि वो राजा थे, तीर कमान चलाते थे, वह आवाज़ सुनकर उस पर बाण चला देते थे। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने बैंगी एक पेड़ के नीचे टिका दी। नज़दीक ही सूर्य नदी बह रही थी। तो वहाँ पे नदी बह रही थी, वहाँ पानी लेने के लिए सूर्य नदी के किनारे पर गया। तो कौन गया पानी लाने के लिए? इनका बेटा श्रवण कुमार। इनके लिए जैसे ही श्रवण कुमार ने अपने बर्तन नदी के पानी में डुबोया तो इसे कुछ आवाज़ हुई। उस समय राजा दशरथ हिरण का शिकार करने के लिए वहाँ छुपे हुए थे। इन्होंने समझा कि कोई हिरण नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने आवाज़ की दिशा में बांध छोड़ दिया। तो ये दशरथ जो है वो छुपे थे किसके लिए? हिरण के लिए, क्योंकि उन्होंने शिकार करना था। तो जब ये पानी लेने गया वहाँ पर पानी की आवाज़ आई तो राजा ने सोचा शायद हिरण पानी पीने आया है। तो उन्होंने जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी डायरेक्शन में अपना तीर छोड़ दिया। बाण सीधा श्रवण कुमार की छाती में जा लगा। तो श्रवण कुमार, क्योंकि वो श्रवण कुमार था तो वो उसकी छाती में जाके तीर लग गया। वह चीख उठा। उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़े आए। वहाँ आकर देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि मैंने एक इंसान को मार दिया तो उनको एहसास हुआ। उन्हें श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। श्रवण ने कहा आप मेरी चिंता ना करें, नज़दीक ही एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं, वे बहुत प्यासे हैं, आप उन्हें पानी पिला दीजिए। ये कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ
को बहुत दुख हो रहा था। वह पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचा। कांपती आवाज से उन्होंने पहचान लिया कि ये उनका पुत्र श्रवण नहीं है। तो जब ये दशरथ इनके माता पिता के पास पानी लेके गया तो इनके माता पिता ने पहचान लिया आवाज से कि इनका बेटा नहीं है। राजा दशरथ ने जब श्रवण के बारे में बताया तो वह बहुत बेचैन हो गए। इन्होंने राजा दशरथ को श्राप देते हुए कहा, राजा दशरथ जिस तरह आज हम पुत्र व्याग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। ये कहकर उन दोनों ने प्राण त्याग दिए। तो जो जब इनके माता पिता को पता लगा सच्चाई के बारे में तो उन्होंने दशरथ को श्राप दे दिया। बोला कि जैसे हम तड़प रहे हैं बिना बेटे के, इसी तरह से तुम भी मरते वक्त इसी तरह से तड़पेगा। श्रवण के माता पिता का श्राप सच होकर रहा। राम के वन जाने के बाद राजा दशरथ ने भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो ये इस कहानी का इतना ही सच है। कल हम इसके आगे कैरी ऑन करेंगे। आज के लिए इतना हाफिज़। तो कल हम इसके आगे करेंगे।